बातें करते रहे, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। ठीक है, साधारण जीव के लिए वो आवश्यक है, उतना समझ लेना, एक बार, दो बार, चार बार। अब समझ लेने के बाद करना भी तो है करने का नंबर कब आएगा तो सत्संग का अर्थ ही लोग गलत समझते हैं। अरे एक व्यक्ति बोल रहा है, एक व्यक्ति सुन रहा है, लेकिन खास बात जो है वो साधना की है। साधना संबंधी बात सुन लेना ये पहली कक्षा है, आवश्यक है, लेकिन हमेशा पहली कक्षा में रहे, इसके आगे उसको साधना भी तो करना है, वो कब करेगा? किसी भी चीज की थियरी समझना जरूरी है, दाल चावल रोटी तरकारी से लेकर के भगवत प्राप्ति तक। लेकिन वो थियरी ही खाली करता रहे सारे जीवन, तो कब खाना बनाएगा, कब खाएगा? उसका भी तो समय होना चाहिए ना। क्या करना है ये बात हजार बार समझाई जा चुकी हो, सब समझते हो तुम लोग, कोई लेक्चर नहीं दे सकते, उससे कोई मतलब नहीं, समझते सब। और प्रैक्टिकल जब करने का समय आया तो उससे कतराते हो, लापरवाही करते हो। तो महाराज जी बोलते रहे, हम सुनते रहे, आराम मंतव्य विद्याधितव्य। वेद कहता है कि गुरु से सुनो और सावधान होकर सुनो और उसका मनन करो, निश्चय करो, बस यही सही है। और फिर ध्यान करो, उपासना करो, प्रैक्टिकल साधना करो। तो बस श्रोतव्य का शौक है सब, इसके आगे न मंतव्य का है और न विद्याधितव्य का है।